और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसपी बूथ लूटने की तैयारी कर रही है, उपचुनाव में हिंसा करा सकती है समाजवादी पार्टी, लोगों को धमकाया जा रहा है। बता दें आपको कि 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव होना है और ऐसे में यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बड़ा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आरोप लगा रहे हैं कि घोसी में जो उपचुनाव होना है उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सर क्या जानकारी अभी मिल रही है? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एफआईआर दर्ज हुई है कल कोपागंज थाने में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे ने, जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, वहाँ के एक सिपाही को जो यादव समाज से हैं, उनको कहा कि हम तुम्हारे जो चौकी इंचार्ज हैं जो दलित समाज के हैं उनको आकर के हम जूते मारेंगे अगर आपने समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी अपनी हार सुनिश्चित जान करके इस प्रकार के कुकृत्य पर उतर आई है, गुंडई पर उतर आई है, अराजकता पर उतर आई है, धमकी देने पर उतर आई है। हम ये पूरे मामले को निर्वाचन आयोग में ले जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के माध्यम से हम अपील करेंगे निर्वाचन आयोग से कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से लें और कड़ी कार्रवाई करें। कौन जाएगा निर्वाचन आयोग? आप जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा। सर क्या बात रखेंगे वहाँ पे अगर, क्योंकि सपा तो कहती है कि जो बताया है एफआईआर की कापी भी लगाएंगे जो आपको बताया है वो। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इफेक्ट करना चाहते हैं। आपको पता है कि जो सच्चाई है प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, समाजवादी पार्टी का डीएनए भी जानती है और हम लोगों को हमेशा निष्पक्षता के साथ सुसंस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हुए और देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं।